आप सभी को प्रणाम। ब्रह्मचर्या पर बात करेंगे। ब्रह्मचर्या जीवन प्रकृति के विरुद्ध है या अनुकूल है, इस पर बड़ा विवाद है। अनेक बुद्धिजीवी इसको विरोधाभास करते हैं कि ब्रह्मचर्या प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ब्रह्मचर्या जीवन के अनुकूल का नाम है, ब्रह्मचर्या जीवन के संयम का नाम है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या का पालन करता है वो जीवन को संयमित होकर जीने की कल्पना और उसको साकार करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मचर्या अपने शरीर की शक्ति को विकसित करना, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। ब्रह्मचर्या आपके जीवन के उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करने की एक कला है, जिसको ऋषियों ने योग में बहुत बड़ी महत्ता दी है। ब्रह्म का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड का जो विज्ञान है, इसको समझना। चर्या अर्थात उसमें उसका आचरण करना, उसको व्यवहार में लाने की जो कला है, ये ब्रह्मचर्या है। ब्रह्मचर्या केवल वीर्य रक्षण तक सीमित नहीं है, ब्रह्मचर्या का ज्ञान बहुत विस्तार है। ब्रह्मचर्या योग के लिए बहुत आवश्यक है। साधना रत व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो संयम एक गृहस्थ जीवन में भी हो, या एक साधु जीवन में हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो संयम पूर्वक जीवन को जीने की विधि और उसका ज्ञान रखता है, यही ब्रह्मचर्या है। आज समस्त जीवों को देखो, समस्त मनुष्य को छोड़कर अन्य जीव ब्रह्मचर्या का पालन करते, वो संयम पूर्वक जो है आचार विचार करते हैं, संयम पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं और संयम पूर्वक अपने काम वासनाओं को नियमित रूप से व्यवहार में लाते हैं। तो ब्रह्मचर्या बहुत विशेष ज्ञान है, आपको इसे डीप समझना होगा। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, इसको जीवन में एक बार धारण करने की क्षमता अपने अंदर संकल्प पैदा करो और योग का अभ्यास करते हुए ब्रह्मचर्या का अभ्यास बहुत जरूरी है, जो आपके जीवन के लिए बहुत उन्नतिकारक है। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। ओम।